दोस्तों ये है नया पोको का C3, पोको C3। तो क्या क्या है इसमें, चलिए देखते हैं फटाफट, इसको ओपन कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अमेजोन से मंगाया था, तो इसके साथ ये इसका रैपर, इसको हटा लेते हैं। दूसरा ये इसको भी हटा लेंगे, और ये है इसका बॉक्स। इसके अंदर देखिए ये है हमारा पोको का सेट। इसका बैक कवर देखिए दोस्तों, इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, और काफ़ी ग्लॉसी है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैमरा देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे चार चार कैमरे हैं इसमें, बट इसमें तीन कैमरे हैं आई गेस, और एक इसमें फ्लैश होगा आगे के साइड पे। ये कुछ इस तरह का लुक दिखता है इसका, ठीक है। और चलिए अभी बॉक्स पे फटाफट देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। इसको ओपन करेंगे तो चार्जर, ये इसका अडाप्टर, और ये इसकी केबल। आई गेस अब इन्होंने हेडफोन वगैरह देने बंद कर दिए हैं, तो ईयरफोन अब किसी में नहीं आते, तो इसमें यही है, इसका ये अडाप्टर है, और ये इसका डाटा केबल, ठीक है दोस्तों। अब चलिए फटाफट इसके देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है इसमें, क्या क्या दे रहा है ये। इसके अंदर ये पिन होगी इसकी, जिससे आप ओपन कर सकते हैं अपना सिम कार्ड। और ये है हमारा सेट। इसको स्टार्ट करके देख लेंगे, तो जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक हम आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देते हैं कि क्या क्या दे रहा है ये। देखिए सेट पे नज़र डालेंगे, ये देखिए स्टार्ट होते हुए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। इसका इस पर बाहर ना ये टेम्पर प्रूफ लगा हुआ है, तो इसको हटाना होगा। चलो इसको हम बाद में हटाते हैं, अभी ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए पोको लिखा हुआ आ गया, तो इसको स्टार्ट होने देते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे ये देखिए 3 GB इसका इंटरनल स्टोरेज है, एंड 32 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, 32 GB तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। कैमरे पे नज़र डालेंगे दोस्तों, कैमरा ये है 13 MP, और इसकी स्क्रीन देखेंगे। चलिए आपको और बताते हैं हम और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी। दोस्तों देखिए 5000 MHz की इसकी बैटरी है, बहुत ज़्यादा होता है 5000 MHz, ख़त्म ही नहीं होगा आपके एक दो दिन तक। और स्क्रीन देखिए 6.5 इंच की स्क्रीन है, काफ़ी अच्छी स्क्रीन है। आप देखेंगे अगर स्क्रीन की हम बात करें तो काफ़ी अच्छा है, आप देखिए हाथ में आ रहा पूरे अच्छे से। तो ये इसकी स्क्रीन आप देख सकते हैं, और कैमरा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 13 MP के हैं तीनों कैमरे। फ्रंट पे भी एक कैमरा मिलेगा आपको सेल्फी वगैरह के लिए। तो ये तो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, और चलिए अब मैं आपको इसी कैमरे से खींची हुई फ़ोटोज़ दिखा देता हूँ कि कैसी फ़ोटोज़ ये ले रहा है, और इसके कैमरे की क्लियरिटी क्या है, और बेसिकली हमें कैमरे में देखना क्या होता है। प्राइस आपको बता दूं दोस्तों, मात्र 7000 का है ये। अंडर 7000 अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए, स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन, तो आप इसके लिए जा सकते हैं पोको C3। अब बैटरी लाइफ आपने देख ली, 5000 mAh है, फर्स्ट क्लास एकदम। और अगर चार्जर की हम बात करें तो चलिए पहले आपको चार्जर में दिखा देता हूँ कि सी टाइप चार्जर है या फिर जो नॉर्मल होता है वो वाला चार्जर है। तो इसकी हम जो डाटा केबल है, इससे हमें पता चलेगा कि चार्जर जी नॉर्मल केबल है इसकी, जो नॉर्मल वाला है, सी टाइप नहीं है, नॉर्मल है। आपको मतलब नॉर्मल होने का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी छोटी मोटी दुकान पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसका डाटा केबल मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सही लगा मुझे ये। अब चलिए स्टार्ट करके इसकी क्लियरिटी देखते हैं, वीडियो क्लियरिटी कैसी है, फ़ोटो कैसी खींचता है ये, ठीक है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना।